निर्धन बच्चों को रहता है दूध वाले अंकल का इंतजार। भारत एक विशाल विकासशील देश है, परंतु कुपोषण की अंक तालिका में पड़ोसी देशों से भी पीछे है। इसी राष्ट्रव्यापी समस्या निवारण हेतु सामाजिक संस्था न्यू इंडिया फाउंडेशन एक पहल लगभग एक साल से प्रयास कर रही है। प्रयास बहुत छोटा है, पर हौसला बुलंद है। संस्था सड़क किनारे पर रह रहे निर्धन बच्चों को प्रत्येक दूसरे तथा चौथे रविवार पोषण आहार वितरित करती है। संस्था की इस भारत माता बाल पोषण योजना के लिए आर्थिक मदद संस्था के सदस्य ही करते हैं। आज 14 मार्च को भी लहर की देवी पर लगभग 50 बच्चों को जितना वो पी सकते थे दूध पिलाया गया तथा सरबती गेहूं की दलिया भी दिया गया, जिसके सेवन करने से बच्चों में कुछ हद तक सेहत में सुधार हुआ। संस्था की इसी बस्ती में महेश नाम का 45 वर्षीय दृष्टिहीन व्यक्ति मिला, जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। एक 8 वर्ष की बेटी भी है महेश की। संस्था प्रयास करेगी महेश की आंखों की रोशनी वापस लाने का। संस्था पहले ही महेश को महीने का राशन हर माह दान करती है और बेटी की शिक्षा की जिम्मेदारी ले चुकी है। आज के कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष मिथिलेश वाजपेयी, अभय अग्रवाल, कनिका जैन, जीतेश नौगरिया आदि उपस्थित रहे। संस्था झांसी नगर वासियों से सहयोग का निवेदन करती है। पीलो बेटा पीलो, आप भी पियो। हाँ आ जाएगा इसके पास, बैठा लो आप, मिल जाए बैठा लो, मिल जाएगा। पियो आराम से। पियो 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 और मिलेगा फिर। पियो, गुड। आप भी पियो, मिला नहीं, आ रहा आ रहा, चलो आ रहा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कनिका जैन है। अच्छा, मैं न्यू इंडिया फाउंडेशन संस्था से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो आप क्या करते हैं इन बच्चों के लिए? हम लोग यहाँ पे आके बच्चों के लिए दूध के पैकेट, दलिया और फल वगैरह वितरित करते हैं। ये हम लोग हर महीने के सेकंड और चौथे संडे को आते हैं और बच्चों से उनका पाल पोषण के लिए आते हैं। कब से कर रहे हो ये? ये हम लोगों को 6 महीने हो गए करते हैं। अच्छा अच्छा, तो कुछ फायदा मिलता है इससे, क्यों करते हो ये? फायदा मिलता है हम लोगों को, बच्चे। अच्छा अच्छा लगता है। और पैसा कहाँ से आता है इसके लिए? पैसा हम लोग अपना इकट्ठा करते हैं।